दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड जितेंद्र, आईटी स्पोर्ट हिंदी की इस न्यू वीडियो में मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स कैसे क्या होता है, उसे कैसे आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, कैसे आप एक शीट के ऊपर काम कर सकते हैं, अगर वो वर्डप्रेस की हो, एक्सेल की हो, और मैं उसके बारे में बताऊंगा, और कैसे आप गूगल डॉक्स यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे डिटेल से आपको बिल्कुल ही वन बाय वन स्टेप के बाद बताता रहूँगा कि क्या क्या होता है और क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा सबसे अपील करता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यहाँ पर आकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी आप बेल आइकन के बटन को दबाते हैं, जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन का बटन दबाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए। चलो फ्रेंड, अब मैं अपनी वीडियो की तरफ ले चलता हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने अपनी एक जीमेल की आईडी ओपन कर ली है। यहाँ पे आप अपनी जीमेल की आईडी ओपन कर लेनी, पहले मैं अपना जीमेल का अकाउंट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा एक जीमेल का अकाउंट है जो कि आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ अभी। तो ये मेरा जीमेल का अकाउंट है, आपके सामने मैंने ओपन किया है इसे अभी। तो इसके बाद आपने क्या करना है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने ये जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे आना है, इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। आपको ड्राइव्स दिख रही होगी, ड्राइव्स के अंदर जाके आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप ड्राइव के अंदर क्लिक करते हैं, आपके सामने काफ़ी सारी एक्सेल की शीट आ जाती है। जैसे कि अभी एक्सेल की काफ़ी सारी शीट यहाँ पे आ रही है, आप देख रहे होंगे काफ़ी सारी शीट आ रही है। हम न्यू शीट के ऊपर काम करेंगे, हम न्यू पे ऊपर क्लिक करेंगे और ये गूगल एक्सेल शीट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैंने गूगल एक्सेल शीट के ऊपर क्लिक कर दिया, तो आप इसे नाम भी दे सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसे एक नाम देंगे कि क्या नाम से ये शीट है और किसे ये हमने शेयर करनी है। तो मैं सबसे पहले तो इसे कोई नाम दे दूंगा यहाँ पे, तो इसे मैं नाम दूंगा, और कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इसे लुधियाना स्टूडियो, लुधियाना स्टूडियो हेयर दे दिया नाम। अब मैंने इसे लुधियाना स्टूडियो शेयर दे दिया नाम। अब मैं इसे किसी लुधियाना में है पर्सन उसके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं शेयर पे जाके क्लिक करूँगा। अब जिसे मैंने इसे शेयर आउट करना है, जिस पर्सन को मैंने इसे शेयर आउट करना है, तो उसकी मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी लिखनी है। उनकी ईमेल आईडी है DOCANJ, ठीक है फ्रेंड, 7RG@gmail.com। देखिए फ्रेंड, मैंने इनके साथ अपनी ईमेल शेयर करना है, तो मैं सेंड टू कर देता हूँ। अब जो मेरा ये डॉक्स है उस पर्सन के साथ शेयर हो गया, ये डॉक्स वो भी देख सकते हैं और ये डॉक्स मैं भी देख सकता हूँ। ये आपके सामने आ रहा है कि वो पर्सन के साथ मेरा डॉक्स शेयर हो चुका है। अब टी बात हमने उन्हें क्या क्या देना, आप अगर आप चाहते हैं कि आप ओनर हैं तो वो भी कैन एडिटर रहे, क्योंकि आप तो ओनर हैं तो वो कैन एडिटर है, मतलब कि वो काट भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पर इस पेज को रिमूव नहीं कर सकते, वो हमारे पास ही ठोट रहेगी। अगर वो कमेंट करना चाहे आप कमेंट दे सकते हैं, आप चाहें वो सिर्फ व्यू करना चाहे तो वो यहाँ पर सिर्फ व्यू कर सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। ये तीनों ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगी, आपको जो ऑप्शन ठीक लगती है उस पर बाद आप जाके उसे डन कर दीजिए। डन करने के बाद आप देख सकते हैं कि उनके साथ ये डॉक्स शेयर हो चुका है। अगर आप इसे आप सेंड पे आके वो डॉक्स यहाँ से भी आप शेयर कर सकते हैं, एक वे है, आप यहाँ से शेयर कीजिए। इससे ये बेनिफिट होता है कि आप जो भी काम करेंगे उनको पता लग जाएगा कि आप क्या काम कर रहे हैं और आपके साथ क्या उनका एक कम्युनिकेशन है, वो सारी की सारी चीज़ आपको पता लगती रहेगी। तो इसका सबसे अच्छा कारण फ़ायदा यही है कि डॉक्स एक दूसरे के साथ शेयर हो सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसमें अलग अलग तरह के डॉक्स शेयर कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी तरह के डॉक्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप फ्रेम शेयर करना चाहे, फ़ोटो शेयर करना चाहे, मैप शेयर करना चाहे, या साइट शेयर करना चाहे, कुछ भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, ज़्यादातर जो काम होता है ऑफिस में वो डॉक्स के ऊपर होता है, एक्सेल डॉक्स के ऊपर होते हैं, इसलिए मैंने आपको एक्सेल डॉक्स शेयर करना बताया। सेम यही वे है शेयर करने का। फ्रेंड, ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई इंक्वायरी या क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के नीचे। अगर आप कोई वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तब मुझे कमेंट कर सकते हैं और फेसबुक पे आके मेरे से बात कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।